शतरुद्र संहिता, शिव जी के सद्दोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक पांच अवतारों का वर्णन। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिकीय और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता, व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपने इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुनि, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति और शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुनि, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 29वां कल्प जो श्वेत लोयलित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्दोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस समय कल्प में ब्रह्मा पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्दोजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान ही कर रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले चार यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनमें वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सद्दोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्दोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनमें एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल रंग के ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव का दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थीं और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए।
वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवर्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1000 दिव्य वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्मरूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सबके सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा और शिव सरी के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास और कृष्णकंठधक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर, तदनंतर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप के नाम से विख्यात हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वार्थयामी और सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सब धर्म का पालन करके योगागति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नाम का 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्दोजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप में समझाया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ स्वरूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति का भोक्ता क्षेत्रस्व निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव जी का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार के कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्दोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति का एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्दोजात आदि अवतारों के प्राकट्य को
पढ़ता है अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है।